अगर आपने कभी अग्निपथ मूवी देखी हो तो आपको पता होगा कि उसमें एक सीन था जिसमें ऋतिक रोशन के जो अब्बा होते हैं, प्रोफेसर साहब जो होते हैं, वो एक क्राइम के लिए अक्यूज़ हो जाते हैं। तो फिर जिस गांव में वो होते हैं तो वहाँ पे तीन चार लोग बोलते हैं कि यार इसने क्राइम किया, इसने क्राइम किया। और फिर उसके साथ साथ जो पूरा गाँव होता है वो बोलना शुरू हो जाता है कि यार इसने क्राइम किया, इसको पकड़ो, इसको पकड़ो, इसको पकड़ो। और इसी टाइम में जब सब चीख रहे होते हैं कि इसको पकड़ो, इसको पकड़ो, इसको पकड़ो, तो वो उसको लिटरली पकड़ के उसको फंदे पे लगा के उसको बांध के फेंक देते हैं और उसको मार देते हैं। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज कल संडे को मैं ट्विटर खोला दोपहर को, वैसे ही मैं खोल लेता हूँ रोज़, तो उसमें एक चीज़ ट्रेंड कर रही थी विच वॉज हैशटैग इरफान जुनेजो एंड इज लैक ऑफ ओपिनियन, लैक ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ काइंड ऑफ सॉलिडैरिटी विद द कश्मीरीज, विद वॉट एवर इज हैपनिंग इन कश्मीर। और मेरा ये वीडियो बनाने का कोई प्लान नहीं था, ऑब्वियसली आपको पता है मैं इस तरह की बैठ के बातें करने वाली वीडियोज़ कम ही बनाता हूँ, लेकिन मैंने मुझे जहन में कुछ फील हुआ, कुछ एक एहसास आया जिसकी वजह से मैंने कहा कि वीडियो बनाना बनती है। अच्छा, तो कल जो हो रहा था वो बेसिकली ये हो रहा था कि कुछ लोग, जितने भी लोग थे, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे थे, जिस तरह अग्निपथ में आहिस्ता आहिस्ता वो लोग बढ़ते हैं प्रोफेसर साहब आपको गालियाँ देने वाले, तो आहिस्ता आहिस्ता लोग बढ़ रहे थे और सब लोग ये बोल रहे थे कि यार इरफान भाई आपने कश्मीरियों के लिए यूट्यूब पर वीडियो ना बनाई, आपने वीडियो नहीं बनाई। ज़्यादातर लोग ये नहीं बोल रहे थे कि आप साइलेंट हैं इस मामले में, आपने कुछ बोला नहीं। ज़्यादातर लोग ये बोल रहे थे कि यार आपने आपने वीडियो कैसे नहीं बनाई, वीडियो बनाए हैं आप यार, मतलब कम ऑन। इस चीज़ के बारे में बातें खैर 150 हो सकती हैं, लेकिन मैं यहाँ पे एक दो ही करूँगा। अगर आप ऑब्जेक्टिवली देखो तो हो ये रहा है कि आप एक यूट्यूबर को बोल रहे हो कि यार इस सेंसिटिव जियोग्राफिकल स्लैश पॉलिटिकल स्लैश रिलीजियस एज वेल इशू के बारे में आपने यूट्यूब पे वीडियो नहीं बनाई। आप ये देखो पहले कि वो जो भी यूट्यूबर है वो यूट्यूब पे किस तरह की वीडियोस बनाता है, वो यूट्यूब पे क्या करता है। इरफान जुनेजो का चैनल है व्लॉग्स। मैंने लिटरली कल बैठ के ये जो ट्विटर पे पूरा हुआ है उसके बाद मैंने देखा कि इरफान नॉर्मली इस तरह की चीज़ों की करता है, कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स निकालता है, कोई इस तरह की ओपिनियनेटेड कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ों पर लाइट डालता है, लेकिन नहीं डालता। इरफान जुनेजो का चैनल है व्लॉग्स, जिस तरह के और बहुत सारे दुनिया में व्लॉगर्स हैं उस तरह इरफान जुनेजो का चैनल भी व्लॉग्स के अराउंड रिवॉल्व करता है। कहने का मकसद ये है कि व्लॉग्स हैं और आप एक व्लॉगर को बोल रहे हो कि यार आप एक वीडियो बनाओ इस चीज़ के बारे में, वो बना भी कोई ना कोई बंदा बना भी देगा, इरफान ने बनाई नहीं, कोई और होता बना देता शायद। तो अगर तो वो बना देता तो उस सारे व्लॉग्स के बीच में एक वो पॉलिटिकल स्लैश वाली वीडियो आई हुई होती और उसके बाद फिर से व्लॉग्स कंटिन्यू होते हैं, तो उस वीडियो को कुछ फायदा नहीं होता बिकॉज उसके आसपास सारे व्लॉग्स हैं, जिस तरह की नॉर्मली आती हैं सारी वही हैं। मतलब इट्स लाइक कि आप किसी फिल्म एक्टर को बोल रहे हो कि यार आपने इस चीज़ पे फिल्म में एक्टिंग क्यों नहीं की, क्यों नहीं की, आप फिल्म में एक्टिंग करो इस चीज़ पे, गलत बात है। मतलब ये लिटरली ऐसी बात है, कभी आपने स्टार स्पोर्ट्स पे या स्काई स्पोर्ट्स पे देखा है कि कोई न्यूज़ चल रही हो कि आज सीरिया में ये हुआ या फिर आज बगदाद में ये हुआ या फिर आज पाकिस्तान में ये हुआ या इंडिया में ये हुआ या कश्मीर में ये हुआ, कभी देखा है नहीं। बिकॉज और इसका मतलब ये नहीं है कि जो माइकल एथरटन बैठा हुआ है या जो हर्षा भोगले बैठा हुआ है वहाँ पे वो उसका कोई दिल नहीं है, उसका कोई ओपिनियन नहीं है, बस वो बात करने की वो जगह नहीं है। वहाँ पे स्पोर्ट्स की बातें होती हैं, वहाँ पे क्रिकेट की बातें होती हैं, वहाँ ये बात होती है कि यार अलीम दार ने तीन गलत डिसीजन दे दिए, वहाँ ये बात होती है यार कि बाबर आजम क्या बैट्समैन है। एक व्लॉगिंग चैनल पे एक बंदे ने कभी भी कोई पॉलिटिकल सेंसिटिव या रिलीजियस चीज़ों पे इश्यूज पे डिस्कशन नहीं डाली। इट्स नॉट लाइक कि वो एक वैसी एक्टिविज्म वाला या सोशल कमेंट्री वाला चैनल है, वो नहीं है, तो उस चीज़ का कुछ फायदा नहीं होगा वहाँ पे आने का। वहाँ पे जो लोग बैठे हैं वहाँ पे व्लॉग्स देखने के लिए बैठे हैं। आप अगर ये बोलो कि यार आप इस मामले में साइलेंट क्यों हैं, आपने बोला क्यों नहीं कुछ, आप अगर इसलिए नहीं बोल रहे कि आपके इंडियन फॉलोअर्स चले जाएंगे, ये बात बोलना फिर भी बेहतर है बिकॉज एटलीस्ट आप उसके डायरेक्टली साइलेंस पे आ रहे हो, ये नहीं बोल रहे कि यार आपने वीडियो नहीं बनाई, आप वीडियो क्यों नहीं बनाए, आपने व्लॉग क्यों नहीं बनाया इस पर। तो जहाँ तक अगर ये वाली बात है कि आप उस पर साइलेंट क्यों हैं, तो यार मैंने खुद इरफान की स्टोरी देखी थी जब उसने शुरू में मेंशन ये किया था कि यार मुझे इस बारे में इतना इल्म नहीं है, मैं इतना पॉलिटिकली अवेयर नहीं हूँ, लेकिन मैंने सुबह उठ के मैसेजेस पढ़े तो मुझे एहसास हुआ, तो ये मेरा ओपिनियन है, वहाँ उसने अपना ओपिनियन दे दिया। उसके बाद उसने भी रिसेंटली अभी हसन मिनाज की एक वीडियो भी एक शेयर की थी या रीट्वीट की थी, मैंने उसके ट्वीट में ही देखा था, और मतलब कि अपनी स्टोरी में उसने वो ट्वीट शेयर की थी आई गेस, या ट्विटर पे की थी, विच क्लियरली मेंट कि ही इज़ टेलिंग यू हूज़ साइड इज़ ही ऑन, एंड अगर किसी इंडियन फॉलोअर को अनफॉलो करना होगा तो उसकी साइड देख के वो अनफॉलो कर देगा। अगर एक बंदा ऑलरेडी बोल चुका है कि यार मैं इसके खिलाफ हूँ, यहाँ पे गलत हो रहा है, तो अगर एक बंदे ने उसकी उस बात से चिढ़ मचा के अनफॉलो करना होगा तो वो कर देगा, वो ये नहीं बोलेगा कि यार नहीं वीडियो जब तक इरफान भाई की नहीं आएगी ना तब तक मुझे लग रहा है कि ये इंडिया के साथ हैं। नहीं, मैं नहीं मानता, मैं ओपनली बात करता हूँ। अगर तो आप एक अच्छे इंसान हैं, भले आप पाकिस्तानी हो, भले आप इंडियन हो,
और अगर कश्मीर में कोई जुल्म हो रहे हैं जिस तरह के हो रहे हैं तो आपको उसके खिलाफ होना चाहिए. यू शुड बी अगेंस्ट एनी फॉर्म ऑफ टॉर्चर, एनी फॉर्म ऑफ क्या कहते हैं इंग्लिश ख़त्म होगी मेरी यहाँ पे, एनी फॉर्म ऑफ जुल्म टूवर्ड्स एनी कम्युनिटी एनी वेयर इन द वर्ल्ड, स्पेशली इफ इट्स वेरी क्लोज टू यू एथनिकली एंड ऑल्सो लाइक जियोग्राफिकली. यू शुड बी अगेंस्ट ऑल ऑफ दैट, भले वो आपका मुल्क कर रहा हो या दूसरे का मुल्क कर रहा हो, वो बात तो डन है. लेकिन इस चीज़ की वजह से जज्बात में आके हर उस बंदे को गिरा देना जिसको गिरा सकते हैं एक छोटी सी वजह के ऊपर, जो वजह भी नहीं है, ये है अग्निपथ और हम अग्निपथ नहीं है. येस आई कम्प्लीटली अग्री दैट न्यूट्रैलिटी इन अ टाइम ऑफ मॉरल क्राइसिस इज इंडीड अ सिन, लेकिन इट शुड ऑल्सो बी नोन दैट टेकिंग अ साइड एंड कन्वेइंग दैट साइड दैट यू आर ऑन on a medium on which it will have no effect whatsoever is stupidity. Let's all be better people, better human beings, and inshallah halaat kashmir mein bahut jald behtar honge, puri duniya mein behtar honge. On that note, it's time to go takliya.